और ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इल्म ना होना गलती है। अगर किसी के पास इल्म ना हो, गाफिल हो, नादान हो, ये गलती है। लेकिन इल्म आ जाए और अमल ना करे, इस ये सिर्फ गलती नहीं है, इसका एक असर भी होगा, इसका एक खतरनाक असर होगा, जो मैं आपकी खिदमत में अभी अर्ज करने की कोशिश करूंगा एक रिवायत के जरिए से, जो हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंगवाई है। अल्लाह छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, जो जानते हो उस पर अमल करो, जो नहीं जानते वो खुदा सिखा देगा। जो जानते हो उस पर अमल करो, जो तुम नहीं जानते वो खुदा तुम्हें सिखा देगा। अब आप तसव्वुर फरमाइए, अगर कोई मुझसे ये कहे, मैं यहां लंदन में हूं, अब ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं यहां पर हूं, मुझे दीन नहीं आता, क्योंकि मेरे पास कोई बताने वाला नहीं है, एक तो ये कि आप लंदन में, हरगिज ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहां अच्छों में बहुत है और बुरों में उससे भी ज्यादा, मुश्किल है ये, अच्छों में तो है ही, बुरे में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी के पास उज्र नहीं है। कोई ये कहे मुझे नहीं पता क्या करना है, अब ये मामला नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा होता कि कोई सिखाने वाला ना होता, तो मौला का फरमान हमसे क्या कह रहा है, जो तुम जानते हो उस पर अमल करो, जो तुम नहीं जानते वो खुदा तुम्हें सिखा देगा। तो अगर फर्ज करने आपने ऐसा किया कि जो आप जानते थे उस पर आप अमल करते रहे, तो जितना भी कम जानते थे नहीं जानते थे वो खुदा सबका सब सिखा देगा आपको। लेकिन इसका एक खतरनाक हिस्सा भी है, अगर आप जानते थे और आपने अमल नहीं किया, अब क्या होगा? अगर जानते थे और अमल किया तो खुदा सिखा देगा और बढ़ा देगा, अगर जानते थे और अमल नहीं किया अब क्या होगा? अब जो जानते थे वो भी हाथ से चला जाएगा, जो आप जानते थे वो भी हाथ से चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर आते हुए मुहर्रम से हमारा इल्म नाऊज़ बिल्ला कम होता चला जाएगा, अगर हमने अमल नहीं किया। बस इस कानून को जहन में रखिएगा कि जो जानते हो उस पर अमल करो, जो नहीं जानते वो खुदा सिखाएगा। लेकिन खुदा ना करे नाऊज़ बिल्ला ताला, अगर ऐसा हुआ कि आपके ब्रदरान और हमारी बहनों ने सब ने मिलकर ये अजीम शान प्रोग्राम किए, यहां पर इल्म बयान हुआ और लोगों ने अमल नहीं किया, अब क्या होगा? जो पहले से जानते थे वो भी चला जाएगा, वो भी हाथ से चला जाएगा। और मुझे ये लगता है कि ये एक वजह है हमारी कौम के इल्म कम होने की। क्यों हमारी कौम के अंदर इल्म कम हो रहा है और इल्म बढ़ नहीं रहा है? एक वजह यही है, हम सुन रहे हैं अमल कम कर रहे हैं। अगर सुने और अमल बढ़ाना शुरू कर दें तो हमारा इल्म कई कई टाइम्स बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। खुदा हमें इल्म हासिल करने और उस इल्म पर अमल करने वालों में करार फरमाए इंशाअल्लाह। अपनी तौफीकात और हमारी तौफीकात के लिए और इस हदफ में कामयाबी के लिए दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।